जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीर वन चारी, जमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय ओम श्रीपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस लभ चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन बेबड़ी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय ओम श्रीपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस लभ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज में वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद ओ ग्लोरियस असेंबल डिवोटीज, ओ ग्लोरियस असेंबल डिवोटीज, ओ ग्लोरियस असेंबल डिवोटीज, ग्लोरियस श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
आज हम श्रीमद्भागवतम का सातवां स्कंद है और आठवां अध्याय है, श्लोक संख्या 49 और 50। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध तो कर दिया और ऐसी भगवान की लीला के संहारण में सारे देवता जो एकत्रित हुए हैं वो अपनी अपने ढंग से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ प्रजापतियों का टर्न आया है, सभी एक एक प्रार्थना, लेकिन सारी प्रार्थना में अलग अलग भाव हैं वो देखना है। और 50वें श्लोक में श्री गंधर्वा ऊँचू भी आएगा, जो भी है। श्री प्रजापत्य ऊँचू प्रजेशा वयम ते परेशाम अभिसृष्टा न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धा स एष त्वया भिन्न वक्षा नु शेते जगदमंगलम सत्वमूर्ते अवतारः श्री प्रजापत्य ऊचुहु प्रजेशां वयं ते परिशाभिसृष्टा न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धः स एष त्वया भिन्न वक्षानुशेते जगदमंगलं सत्त्वमूर्ते अवतारः श्री प्रजापतयो ऊचुः प्रजेशां वयं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धा स एष त्वया भिन्न वक्षानुशेते जगन्मंगलं सत्त्वमूर्ते अवतारः श्री प्रजापतयो ऊचुः प्रजेशां वयं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धः स एष त्वया भिन्न वक्षानुशेते जगन्मंगलं सत्त्वमूर्ते अवतारः Shut up.
माता जी प्रजापति ऊचुः विभिन्न प्राणियों के उत्पन्न करने वाले महापुरुषों ने ये कहकर प्रार्थना की प्रजाईशाह जीवों की अनेक पीढ़ियों को जन्म देने वाले ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न सारे प्रजापति वयम हम सभी ते तुम्हारे पर ईश हे परमेश्वर अभिसृष्टा उत्पन्न न नहीं ये न जिस हिरण्यकशिपु से प्रजा सारे जीव वै निसंदेह सुजामः हम उत्पन्न करते हैं निषिद्धः मना किया गया सह वह हिरण्यकशिपु एषः यह त्वया तुम्हारे द्वारा भिन्न वक्षः जिसका वक्षस्थल विदीर्ण किया जा चुका है नु निसंदेह शेते शयन करता है जगत मंगलम सारे जगत के कल्याण के लिए सत्व मूर्ति शुद्ध सतोगुण के दिव्य रूप में अवतार है यह अवतार अनुवाद है प्रजापतियों ने इस प्रकार स्तुति की हे परमेश्वर हे ब्रह्मा जी तथा शिव जी के भी पूज्य प्रभु हम सारे प्रजापति आपके द्वारा दी गई आज्ञा के पालन के लिए उत्पन्न किए गए थे किंतु हिरण्यकशिपु ने हमें और उत्तम संतान उत्पन्न करने से रोक दिया अब यह असुर हमारे समक्ष मृत पड़ा है जिसके वक्षस्थल को आपने विदीर्ण कर दिया है अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि इस शुद्ध सात्विक रूप में आपका यह अवतार समग्र ब्रह्मांड के कल्याण के निमित्त है श्री गंधर्वाहुचु वयम विभोते नटनाट्य गायका येनात्म साधीर्य बलौ औजसा कृतः स एष नीतो भवता दशामिमां किम उत्पुत्तस्थ कुशलाय कल्पते श्री गंधर्वः उचु गंधर्व लोक के निवासी जो सामान्यतः स्वर्गलोक के गायक होते हैं वे बोले वयम हम विभो हे प्रभु ते तुम्हारे नट नाट्य गायका नाटक के नर्तक तथा गायक ये न जिससे आत्मसात पराधीन वीर्य उसके पराक्रम बल तथा शारीरिक शक्ति से ओजसा प्रभाव से कृताः बने लाए हुए हैं सह वह हिरण्यकशिपु
एषः यह नित लाया गया भवता आपके द्वारा दशामिमाम इस दशा को किम क्या उत्पस्थतः कुमार्गगामी कुशलाय कल्याण के लिए कल्पते समर्थ हैं। गंधर्व लोक के निवासियों ने प्रार्थना की कि हे भगवान हम नाच तथा अभिनय में गायन द्वारा आपकी सेवा में लगे रहते थे किंतु इस हिरण्यकशिपु ने अपनी शारीरिक शक्ति तथा पराक्रम से हमें अपने अधीन बना लिया था। अब आपके द्वारा यह इस अधम दशा को प्राप्त हुआ है। भला हिरण्यकशिपु जैसे कुमार्गगामी के कार्यकलापों से हमें क्या लाभ हो सकता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा परमेश्वर का अत्यंत आज्ञाकारी सेवक बनकर मनुष्य अत्यंत शक्तिशाली प्रभावशाली तथा तेजवान बन जाता है किंतु कुमार्गगामी असुरों का पतन हिरण्यकशिपु के समान होता है। भले ही हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति कुछ काल तक अत्यंत शक्तिमान रहते हैं किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आज्ञाकारी दास यथा देवता सदैव शक्तिशाली बने रहते हैं। भगवत कृपा से वे हिरण्यकशिपु के प्रभाव पर विजय पाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकां। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 श्री गंधर्वाचु वयम विभूति नटनाट्य गायक सभी को अपनी अवकात में रहना चाहिए। ये सारे देवता अपने अपने कर्तव्य परायण है। भगवान द्वारा या ब्रह्मा या शिव जी द्वारा दिए गए अपने कार्यकलाप भगवान की प्रीति के लिए हैं। वो यदि उपयोग में लाते हैं तो भगवान के संदर्भ में ही इनकी भक्ति भी सफल होती है, अन्यथा जो भगवान के संबंध में ये कर्तव्य नहीं है तो स्वाभाविक रूप से इनको कोई लाभ नहीं है। आप देखोगे अब तक ब्रह्मा से लेकर शिव जी इत्यादि सभी ने अपने अपने कर्तव्य परायणता के अनुसार भगवान की जो सेवा है उसमें इनकी जो अनुभूति है भगवान की उसके अनुसार सबने प्रार्थना की है। ज़्यादातर ये सारे भौतिक सृष्टि के संचालन में नियुक्त किए गए देवता हैं। वो सभी उपस्थित थे क्योंकि पृथ्वी पर हिरणाक्ष ने जो अत्याचार किए थे उसका भगवान ने तो पर्चा दिया तब हिरणाक्ष को मारा, लेकिन ये हिरण्यकशिपु अपने भाई का बेर
विष्णु पर ही लेना चाहता था। तो ये असुरों की प्रवृत्ति हैं जो भगवान की कोई दरकार नहीं रखते। अब जब इनको भी मारा भगवान ने, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिशाली हैं और ये प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जहाँ तक भौतिकता का संबंध है, सभी देहधारियों के लिए ये जानने की आवश्यकता बनी रहती है कि भगवान को जानने के लिए पहले भगवान की तरफदारी वाली सेवा करनी चाहिए। अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण। यदि हमें कराए पर यदि भगवान की प्रसन्नता जब ही पैदा नहीं होती तो सारा जीवन का महत्व चला जाता है। सभी कर्तव्य परायण हैं, कर्तव्य करना पड़ता है, जबरदस्ती से भी करना पड़ता है। कोई समझे कि हड़ताल पर चले जाए कि मैं नहीं करूंगा कुछ भी, ये प्रकृति मुझे परवशता से कराती है, लेकिन मैं भी ऐसा ठान कर बैठ जाता हूँ, तप वृत्ति और जो भी हठ योगी की तरह हठ लेकर बैठ जाते हैं, तो क्या हमारी विजय होगी? प्रकृति परवशता से भी कर्म कराते हैं। तो ये देवताओं को भी कर्म के नियम लागू होते हैं, लेकिन वो जानते हैं संसिद्धिम हरितोषण, हमें अपने दिए गए कर्तव्य के अनुसार हमें भगवान की प्रसन्नता पानी है। तो जब भगवान अवतार के रूप में आते हैं तो वो प्रशंसा कैसे करेंगे? अपने कर्तव्यों की सीमा में रहकर ही करेंगे। ऋषि मुनि ने भी प्रार्थना की, इंद्र ने प्रार्थना की, सब अपनी अपनी कर्तव्य परायणता के अंदर संलग्न रहकर, कोई ज्यादा बकवास नहीं करता। ये यहाँ प्रजापति अपनी कर्तव्य परायणता में जो ये असुर ने विघ्न डाले थे तो उसका मूल कारण भगवान, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी कर्तव्य परायणता बचा ली, आपने हमें फिर से मौका दिया कि हमें जिस कर्तव्य के लिए नियुक्त किया गया है वो हम सफल करें। इसी तरह गंधर्व भी बोलते हैं, उनका तो नाच गाना सब ठीक है, तो सभी ये आधुनिक समाज में भी नाचने गाने वाले हैं, लेकिन वो गंधर्व नहीं कहलाते, वो तो अपनी कमाई के लिए करते होंगे, इसमें भगवान का सरोकार देखते ही नहीं होंगे। लेकिन स्वकर्मणाम अभ्यर्च सिंधिम बिंदन्ति मानवा, अपने अपने जो कर्तव्य दिए गए हैं चाहे वर्णाश्रम के अनुसार हो या परंपरागत हो, तो वर्ण आश्रम में तो फिट तो होता ही है, तो उसके अनुसार कर्तव्य परायण यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो अवश्य वो भक्ति बन जाती है। लेकिन वो दूसरों की कर्तव्य परायणता के लिए बड़े बड़े शब्दों में बोलते नहीं, सबको अपने औकात में रहना चाहिए। हम जो नहीं हैं तो ज़्यादा बड़े बड़े पंडिताई पूर्वक वेदों की रचना कंठस्थ करके भी क्यों बोलें, यदि हमें कोई अनुभूति ही नहीं है तो, सही ना? तो ये समझना है, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये सब अपनी अपनी औकात में रहे और भगवत परायण बन सकते हैं। हमें दूसरों का मिथ्या अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कौन हैं वो तो जाने, तब तो ही तो भगवान को जान पाएंगे। जब भगवान अवतार लेकर आते हैं
और भगवान अति पराक्रम बताते हैं। सो सारे देवता सहमत तो होते हैं कि ये भगवान के अवतार हैं, लेकिन इनकी सराहना कैसे करें? सराहना करने के लिए तो इन लोगों के पास जो अनुभूति का जो मर्यादा वाला उसका हृदय में भरा है भगवान की प्रतीति का जो है, तो वही संदर्भ के अनुसार वो बोलेंगे। तो कर्तव्य परायणता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैं गृहस्थ हूँ, मेरी कर्तव्य परायणता ये है, लेकिन भगवान के संबंध में नहीं है तो फायदा क्या? वर्णाश्रम विभाग सह, वर्ण और आश्रम के व्यवस्था दी गई, ये तो देवताओं में भी वर्णाश्रम है। देवता हो तो क्या हुआ? कई लोगों ने तो शादी भी नहीं की है, तो कौन से वर्ण में आएंगे, कौन कौन से आश्रम में भी जाएंगे? ज्यादातर काफी देवता गृहस्थ है, पता है, सबके अपने अपने पत्नी है, नाम ही है, सब कुछ है, लेकिन भगवान ये वर्ण आश्रम के कर्ता होते हुए भी अकर्तारम है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान कहते मैं अकर्ता हूं। किसकी प्रसन्नता के लिए भगवान ये सृष्टि बनाते हैं? भगवान की प्रसन्नता यदि बनाए रखनी है तो भगवान ने जो व्यवस्था की है उसमें रहकर ही हम भगवान के भक्ति परायण हो सकते हैं और अपने अपने कर्मों की आहुति भगवान की प्रीति के लिए देनी होती, नहीं तो आहुति दिए बिना यदि कर्म के फल हम खाते हैं तो बंधन में आ ही जाएंगे। तो बंधन से सभी मुक्त हो सकते हैं, एक कर्तव्य परायणता भगवान की प्रीति के लिए ही होती है, अन्य कोई चीज के। लेकिन ईर्ष्यालु जीव अपने जात ऐसे अवधारणा करके अपने आप को काफी उलझता रहता है, जिंदगी भर उलझता रहता है। तो हमें इन देवताओं जो भी भौतिक प्रकृति में ब्रह्मा जी द्वारा पैदा किए हैं, वो जानते हैं सभी कि अपनी अपनी औकात क्या है, हमारी कर्तव्य परता कौन से डिपार्टमेंट में है, बनी रहेंगी, वो सब जानते हुए हमें करना चाहिए। इसी तरह आदर्श गृहस्थाश्रम में भी ये सिखाया जाता है, लेकिन कर्तव्य परायणता भगवान की प्रीति के लिए होती है तो अवश्य विरक्ति पैदा होगी। यदि विरक्ति पैदा नहीं है तो उलझे रहते हैं, और ये जिम्मेदारी गृहस्थ को जो अब हम कहते हैं हेड ऑफ द हाउस होल्ड, उस पर रहती है। जो आश्रित होते हैं तो वो कभी हेड ऑफ द हाउस होल्ड नहीं बनते हैं, इसीलिए ज्यादातर पिता के बाद पुत्र ही हेड ऑफ द हाउस होल्ड कहलाता है और सभी को संरक्षण में रहना पड़ता है। ये वर्णाश्रम की सारी सिस्टम बनी चाहिए। तो परमेश्वर का अत्यंत आज्ञाकारी सेवक बनकर मनुष्य अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली तथा तेजवान बन जाता है। सिर्फ आज्ञाकारी भक्त बनना है, हमें यदि आज्ञा गुरु से प्राप्त है या भगवान से सीधी प्राप्त होती है, फिर भी ये जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें तो आज्ञा हमें मिलती नहीं,
लेकिन शास्त्र में ही जो आज्ञा मिलती है तो वो आज्ञाकारी सेवक एक छोटे से घर में भी गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था बन सकती है। आज्ञाकारी सेवक बनना है कि भगवान के दिए गए मार्ग पर हमें चलना है, सारा व्यवहार करना है और सभी आश्रित जीवों का पालन भी करना है, लेकिन हमें विरक्त रहना। ज़्यादातर सब लपेटे ही जाते हैं तो कीचड़ उछलता है, आकस्मिक तो नहीं उछलता है, यदि सावधान नहीं है तो उछलेगा। तो जहाँ सावधानी रखनी होती है तो ज़्यादा लोग अज्ञानता के वश सावधान नहीं रहते हैं। तो क्या इन लोगों का कुदरती उसकी रक्षा हो जाएगी? नहीं। तो आदर्श समाज में तो यही एक भावना बनाई रखनी चाहिए कि संसिद्धि हरितोषण, सब प्रकार की सिद्धि भगवान के संतोष में ही है। लेकिन अपने अपने करे कराए ऊपर जब भगवान की प्रसन्नता नहीं है तो श्रम एव ही केवलम, हम गधे जैसे श्रम करते रहते हैं जिसकी कोई उपज नहीं। धर्म स्मनुतिष्ठस्य पुंसाम, धर्म स्मनुतिष्ठस्य, अपने अपने स्वधर्म स्थिष्ठ हैं। और ये पुरुष सारे कर्तव्य कराए यदि भगवान पर आकर्षण नहीं जमा सकते हैं, इनको अर्पित करते नहीं तो आकर्षण भी जाएगा कैसे? धर्मस्वनुतिष्ठ पुंसाम विश्वक्षेन कथासु यह नोत्पादये यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। ये मायावादी लोग तो वो दीवार पर लगाते हैं, श्रम की ही विजय होती है, इनके गधे की विजय होती है। कहाँ कितनी विजय होती है, ये अर्थहीन ऐसे मायावादी या निरीश्वरवादी जो उल्लेख है वो शास्त्र में नहीं दिए हैं, वो अपने बनाए दिए गए हैं, लेकिन सारे जनता को गुमराह करने के लिए। तो जगत मंगलम कैसे होगा? भगवान जगत मंगल करते हैं, वो कंजूस नहीं है, सभी का मंगल करते हैं। इनका नाम भी मंगल करने वाला है, जिसकी प्रतीति भक्त लोग कर रहे हैं। ये सभी प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन प्रायोगिक रूप से सारे भक्त वर्णाश्रम में भी आते हैं। यदि हम भक्ति करते हैं इसलिए वर्णाश्रम से ऊपर हो गए हैं, ऐसी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसके अनुसार हमारी औकात के ऊपर भी हम यदि चले जाते हैं और हम करने में असमर्थ रहते हैं तो फिर फायदा क्या? अपने आप को ही धोखे देना बराबर लगता है। जो हम नहीं हैं उसका प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? तो सबको अपनी अपनी औकात, ये देवता लोग जानते हैं कि औकात में रहना है और उसके अनुसार अपने कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वो बता देते हैं कि भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए हमें नाच गाना है, हमें आपका मनोरंजन करना है। आदि ब्रह्मण को श्राप मिला और इंद्र ने ही दिया था, कह रहे ये सभा में तो भगवान के गुणगान होते हैं तो यहाँ मस्ती से औरतों के साथ क्या कर रहा है, जा बन जा। तो निर्धन एक
निराधार बच्चा बन जाए। तो नारद मुनि को श्राप मिला था आदि ब्रह्म उसका पहला गंधर्व के रूप में। तो ये गंधर्वा ऊंचू, जरा औकात में ही तो बोलते हैं ना, ज्यादातर बोलते नहीं। तो हमें भी अपनी औकात में रहकर ही बोलना चाहिए, बहुत लंबी फिलोसॉफी की आवश्यकता नहीं है, जितनी समझ आई उतना दोहराना होता है। जो ना समझ है तो गोल गोल बोलते रहेगा, न समझेगा न समझाएगा, राइट। तो इसी तरह ये सारी प्रार्थना जो है तो भगवान की प्रतीति के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों द्वारा होती है। जब भगवान को अर्पित करते हुए अपने कर्तव्यों कर्तव्यों के फल भगवान मांगते हैं तो वो देना है, इनका उत्थापन नहीं करना चाहिए, यानी कि हटाना नहीं चाहिए। कोई ना समझ से इतना करो, चलो करो, लेकिन फल की बाबत में जरा हम दोबारा सोचेंगे करके भगवान को हम समझा देंगे कि इस बार नहीं अगली बार दे दूंगा, ये सब बेकार है, यानी कि भगवान पर भरोसा नहीं है। उधारी तो चुकानी ही होती है। हमने कितनी बार भगवान के लिए काम किया कोई समझता नहीं, करना चाहिए हाँ हम जानते हैं, लेकिन तो गुरु भी तो देख रेख रखेंगे। गुरु ने गुरु भाइयों अपने शिष्यों को भेज दिया होगा कि चलो गुरु भाइयों पर देख रेख रखने के लिए गुरु भाइयों नियुक्त करते हैं, इनको भी उल्टी शिक्षा देकर या समझावट से बाईपास हो जाते हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। असुर लोग जो नहीं हैं उसे ज्यादा अपने आप को मानते हैं, सभी फुस हो जाते हैं भगवान के सामने, चाहे हिरणाक्ष हो या हिरण्यकश्यप। आपने कोई ऐसा उदाहरण देखा है कि इनसे बड़ा चढ़ियाता कौन उदाहरण है? हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष से कोई ज्यादा बेहतर असुरों में कोई है? कोई नहीं है। आप देखोगे कि इनके ही तीन अवतारों में हिरण्यकश्यप एंड हिरणाक्ष दोनों जुड़वे भाई, लेकिन रावण और कुंभकर्ण इतने पावरफुल नहीं दिखाई देते जितने ये लोग हैं। ये तो सृष्टि की आदि में ऐसा बवंडर बना देते हैं, तो कितनी शक्ति का प्रदर्शन होगा। रावण ने तो चुरा चुरा कर इकट्ठा किया था, कमाई कहाँ कर रही थी। और शिशुपाल और दंतवक्र तो फालतू जैसे ही लगते हैं, कहीं इन, इन, इन इनकी कोई महत्ता नहीं, लेकिन फिर भी असुर है। छोटा असुर बड़ा असुर क्या फर्क, क्या प्रभुपाद जी कथा करते हैं तो सिकंदर बहुत बड़ा था, तो सब जगह विजय करके आता था, तो किसी एक चोर को भी पकड़ा तो उसके सिपाही उसके पास ले आए। चोर काफ़ी अकलमंदी था, तो उसने कहा आप मुझे शिक्षा दो, उसे पहले जरा मैं जो विचार रखता हूँ तो आप उस पर न्याय कर दीजिए, भाई आप में और मेरे में क्या फर्क है? आप में और मेरे में क्या फर्क है? मैं छोटा चोर हूँ, तुम बड़े चोर हो, अभी शिक्षा कौन बड़े चोर छोटे चोर को शिक्षा देगा? ये कोई आपको शोभा देगा? चोर तो चोर ही होता है, है? तो कहने का मतलब है कि चोरों की जमात में
कोई बड़ा चोर छोटा चोर सभी एक की अंडर काम करे तो हिरण्यकशिपु जैसा बन जाएगा, और भगवान उसका भी तो नाश करने में समर्थ है। असुर लोग ही अपनी औकात में नहीं रहते, अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दुनिया को बताते हैं। ये सब असुर नहीं तो कौन है? आजकल भारत के इतिहास में भी देखो चल रहा है, वर्तमान में आसुरी प्रवृत्ति कितनी है। जो भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता, उसको भी प्रधानमंत्री बनने की अपेक्षा है और उसको बड़ा चढ़ाकर रखते हैं। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि परदेशी है। फिर भी प्रधानमंत्री बनाने की भावना करते हैं तो कितने असुर होंगे। आसुरिक प्रवृत्ति दिखाई ही देती है। दो भूत सुरगे दैवासुर संपत्त, दैव और असुर तो भूत सर गए। जब सृष्टि पैदा की उसमें दो ही जात पैदा की, एक विष्णु भक्त भवेत्वैव आसुर्य तद विपर्य, विष्णु भक्त ही दैव कहलाता और असुरी जो है तो विपर्य उल्टा। बीच वाली कोई प्रवृत्ति है। आप जब भी पैदा हुए थे तो आपके माता पिता ने टेवा दिखा लिया, जन्म से ही देखना चाहते हैं कि ये असुर में से आया है, देव में से आया है, तब हम उसको इसका पालन भी करने में हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो वो पहले से अगम चेती दे देते हैं, पहले से ही के बच्चा कैसे निकलेगा, उसके गुण आसुरी गुण ज़्यादा हैं या दैवी गुण ज़्यादा है। दैवी गुण हो तो हम सब उत्तेजन पांसा हमारा उद्धार कर सकता है, लेकिन इसके पास क्या है, ये तो बेवकूफ निकलेगा तो शत्रु बन जाएगा, राइट। तो ये सारी जो व्यवस्था है वो पहले दिखवाते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें एक ही कमी रह जाती है तो वो भगवान की प्रसन्नता छूट जाती है। हम इन चुंगालों में ऐसे फंसते हैं कि भगवान साइड में रह जाते हैं, जबकि ये सारा जो टेवा दिखवाना इत्यादि वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए दिखवाते हैं, तो उसके अनुसार हम चलो ये यदि थोड़ा असुर है तो जब तक हमारे मर्यादा या कंट्रोल में है तब उसको तो सिखाएं, कभी काम में आ जाएगा। अजामिल से अजामिल की पत्नी थोड़ी सियानी थी, चाहे कैसे भी गंदी हो अपनी अपनी, लेकिन वो थोड़ा जानती थी कि यदि कहा है कि इतनी बूढ़ी उम्र में भी बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके कल्याण की भावना देखो। नहीं तो हम तो चले जाएंगे, ये तो छोटा का छोटा ही रह जाएगा, कौन देखेगा। तो साधुवन कह दिया कि नारायण राम रखना है तो कम से कम नारायण शब्द भी काम में आ जाता है। तो ये भगवान की प्रीति जब डायरेक्टली होती है, इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी यदि होती है तो ठीक है। भक्तों को थोड़ी धीरज रखनी चाहिए कि यदि कोई जल्दी से समझ नहीं पाता तो इन लोगों में थोड़ी देर लगती है, तो आप उतावली मत करना, आप उसमें सहृदय बनना, क्योंकि हमारी तो भावना सभी को भगवान का भक्त बनाने की है।
तो इतनी धैर्यता भी भगवान की प्रीति के लिए हमें करनी पड़ती है। तो इन श्लोकों में आप देखोगे कि भगवान की प्रशस्ति देवता लोग और या उच्च वर्ण के या ऊर्ध्वगामी जो लोक हैं पृथ्वी से ऊपर, इसे भी प्रार्थना करते हैं। प्रजापति भी आए, गंधर्व भी आ गए, बाद में चारण आएंगे कल, और उसके बाद यक्ष भी आएंगे, राक्षस नहीं आएंगे, यक्ष बीच में है, और किम पुरुष भी आएंगे, वैतालिक। हाँ तो वो तो काफ़ी भयानक होते हैं, लेकिन किन्नर भी आएंगे थाईलैंड से। अंत में विष्णु पार्षद आएंगे। देखो ये सब की प्रार्थना में क्या थोड़ा अंतर है, वो देखने में मजा आएगी। तो हम यहाँ समाप्त, कोई किसी को प्रश्न है तो अवश्य पूछो। कोई प्रश्न है? आवाज मत करो, सुनाई नहीं देता। धार्मिक रहना अध्यात्म का विकास करने के लिए है। धार्मिकता के पीछे धर्म क्या है वो ही तो समझना है। वो धर्म आध्यात्मिक होता है, भौतिक धर्म नहीं होता है। मनुष्य भौतिक धर्म बना देते हैं, लेकिन धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और भगवान जो आध्यात्मिक स्तर पे हैं, तो भगवान के वचन भी आध्यात्मिक स्तर पे हैं, और हरि हर एक आत्मा को छूता है। तब धर्म स्वनुष्ठाम विश्वक्षेण कथा सुयो। धर्म में स्वनुष्ठ रहना, धार्मिकता में नहीं, धर्म में। वही धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है, नहीं तो ये कोई हिंदू धर्म क्या हमारी रक्षा करता है? मनुष्य ने बना दिया, लेकिन अपना तो वैदिक धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने स्वयं धर्मों के नियम बनाए हैं। तो इसका पालन करते करते भगवान की प्रीति प्राप्त करने का हेतु है, अन्यथा कोई धर्म का पालन की आवश्यकता ही नहीं। वो तो धर्म का रूपांतर है, जो धर्म के साथ निस्बत नहीं रखता, इन्हें मूल हेतु के साथ निस्बत नहीं रखता, ये सब रूपांतर बन जाते हैं। तो हमें इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है कि जो धर्म तत्व समझा रहे हैं, परम सत्य की पहचान के लिए ही तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है, अन्यथा नहीं। कोई रीति रिवाज पालने के लिए गुरु की आवश्यकता कहाँ बताई गई है?
हमें ये सातवां स्कंद है उसमें प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए भगवान उपस्थित हुए नृसिंह भगवान के रूप में, लेकिन इसमें जो समझ है तो नारद मुनि स्वयं प्रहलाद आख्यान कर रहे हैं और नारद मुनि युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। उसमें आदर्श ये जो समाज है इसकी व्यवस्था बताते हैं, इसमें ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास चार चार आश्रमों की वो जो कर्तव्य परायणता के पर युधिष्ठिर महाराज को समझाते, क्योंकि वो राजा है और राजा को एक हर एक आश्रम वर्णों के व्यवस्था में अवश्य नियंत्रण रखना चाहिए। तो वो जब हमें ये हेतु आजकल के जमाने में मिलता नहीं है तो गुरु के पास तो अवश्य मिल सकता है। अपने अपने वर्ण और आश्रम में स्थित रहकर जो वर्णाश्रम में सूचित कर्म दिए गए हैं उसका पालन करते भगवान की प्रसन्नता देखना, ये अपने जीवन की सार्थकता बताते हैं। अन्य कोई चीज नहीं तो मुश्किल ही में खड़ी कर देंगे, कहाँ के वहाँ नासमझ हैं या पूर्ण व्यवस्था का परिचय कराने वाला कोई गुरु नहीं है, तब ये मुश्किल खड़ी होती है। और कोई श्रील प्रभुपाद की प्रसाद, ये तो पता नहीं कब चलेगा, कुकी हो तो ठीक है तोड़ के भी दे सकते, यदि कुकी नहीं है तो परेशान है। कुकी है, हाँ हाँ भारी है। एक दो तीन, हरी बोल, वो साइड से जाओ।